अंबेडकर नगर जिले में आज पटेल जयंती के अवसर पर यहाँ पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। इस समय यहाँ कुर्की बाजार पे उनका स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता लोग। सर एक चीज बताइए कि आज इस तरीके से पटेल प्रतिमा का गुजरात में बहुत बड़ा प्रतिमा का उद्घाटन किया है, आपको क्या लग रहा है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा है पूरे देश में? देखिए, देश के अंदर किनके हाथों काम होगा, जैसे सरदार पटेल इस देश में इसलिए जन्म लिए कि सोमनाथ मंदिर जैसे उद्धार किया और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सभी रियासतों को विलय करवाया देश के अंदर, और सब लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, और उसी कारण आ राष्ट्र दिख रहा है पूरे देश के अंदर। हम ताकतवर हैं, देश के गौरव भाई नरेंद्र मोदी इसीलिए प्रधानमंत्री बने कि समुद्र के गहराई और आसमान की ऊंचाई जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व रखने वाले सरदार पटेल की प्रतिमा का आज उन्होंने अनावरण किया है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जैसा उनका व्यक्तित्व था, कृतित्व था, इसलिए आज नमन पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश चरणों में सरदार पटेल के नमन कर रहा है। उसी अवसर पर आज अंबेडकर नगर सरदार पटेल की जन्म जयंती का अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य। सर एक सवाल ये है कि सबसे बड़ा जिस जिले में आप खड़े हैं उसी जिले में यहाँ पर बस स्टॉप की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर बाद में तो आज का अवसर है ये बहुत ही वो है, और हालांकि यहाँ पर जो बस स्टॉप था जो काफ़ी समय से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है और भी शहर में है, उसके सवाल पर स्वतंत्र देव मंत्री जो है परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलते हुए नजर आए। पंकज मिश्रा, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।